बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, वर्तमान में बिहार में किसकी सरकार है? ए कांग्रेस, बी जदयू, सी बीजेपी या डी एनडीए। वीडियो को रोक कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर का लाल दिखाएगा सोनी टीवी के इंडियन आइडल में कमाल। भागलपुर सोनी टीवी पर चलने वाले कार्यक्रम इंडियन आइडल के लिए भागलपुर के कॉटेज कंपाउंड के रहने वाले अभिषेक प्रियदर्शी का चयन हुआ है, जिसको लेकर परिवार सहित भागलपुर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अभिषेक ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। घर वालों को उम्मीद है कि वह कॉम्पिटिशन में अव्वल आएगा और भागलपुर के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करेगा। जी, इस बार जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 होने के कारण, इस खतरे के कारण फिज़िकल ऑडिशंस रद्द कर दिए गए थे और पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया था। एक ऐप है सोनी लिव, सोनी टीवी का अपना ऐप है सोनी लिव ऐप, तो उसी पर ऑडिशंस के लिए मैंने सबसे पहले टीवी पर देखा कि ऑडिशन देने की प्रक्रिया ऐसे ऐसे है, ऐप पर जाने से होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, जो निर्देश दिए हुए थे, उसको फॉलो करते करते एक फॉर्म भरा और अपने सारे डिटेल्स भरे उसमें, और उसके बाद दो वीडियोस अपलोड करने का था, एक या दो का ऑप्शन रहता था, और मैंने अपने दो वीडियोस उसमें अपलोड किए और 20 दिनों के बाद लगभग, फिर उधर से कल मुझे फ़ोन आया और आज मुझे मैसेजेस आए कंफर्म करने के लिए कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। तो फिर आपको क्या मुंबई बुलाया गया? जी, अभी तक आगे के डिटेल्स क्लियर नहीं है। जैसा कि उम्मीद है, आज उन्होंने दोबारा फ़ोन भी किया था मैसेज आने के बाद, और उन्होंने कहा था कि आज एक दूसरे ऐप पे एमएस टीम्स करके एक जूम जैसा ऐप है जिस पर वीडियो कॉलिंग वगैरह होता है, तो उस पर वो फेस टू फेस मतलब इस बार बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, आवाज़ ठीक से जाती है कि नहीं, क्योंकि ये भी राउंड ऑनलाइन ही होगा, वो मुंबई जा के देने वाला शायद इसमें अभी तक नहीं है। भागलपुर में तमाम विरोधों के बीच जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो गई। भागलपुर में इस परीक्षा हेतु 4 केंद्र बनाए गए हैं। 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा का आयोजन पूरे देश के विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है। इस बीच हमने भागलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र पर जब कुछ छात्रों से बातचीत की तो मिली जुली क्रिया मिली। परीक्षा की तैयारी को लेकर जहाँ छात्र अस्वस्थ दिखे, वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से सहमे दिखे। वहीं अगर बात सेंटर की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छात्रों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश द्वार पर थर्मल चेकिंग के साथ ही 3 लेयर का मास्क भी दिया गया ताकि सुरक्षा बनी रहे। ऋषभ राज, कहाँ से हैं? अंकिल का मांझी से। कैसा लग रहा है एग्जाम, लॉकडाउन के बाद एग्जाम हो रहा है? पापा भेजे एग्जाम देना, तो एग्जाम देने आ गए। अनीशा सुमन, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम? नर्वस है। बहुत दिन के बाद नर्वस है। अभी नर्वस है, तैयारी कैसी है? ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। भागलपुर सड़क हादसे में व्यक्ति की गई जान, आक्रोशित लोगों ने NHSC मुख्य सड़क को कर दिया जाम। भागलपुर के कहलगांव NHSC मुख्य सड़क सबौर घोसपुर फरक्का के समीप एक 35 वर्षीय व्यक्ति को तेज रफ्तार की ट्रक ने कुचल दिया, जिससे फरक्का निवासी 35 वर्षीय बिंदेश्री मंडल की जान मौके पर ही चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक शौच करने के लिए सड़क पार
कर रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार से ट्रक की चपेट में आ गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने NH80 मुख्य सड़क पर सबको रखकर जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने स्थानीय सांसद और विधायक पर भी कई आरोप लगाया। वहीं मौके पर नाथनगर विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को संतावना देते सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हम लोग DM को मोबाइल लगाया, वो ने उठाया, SDO को आज हम लोग 20,000 में हम लोग का जिंदगी चला जाओ, 20,000 का जिंदगी है ये। 20,000 आपका मांग उचित है, आपका उचित मांग है। डीजल तो आधार के साथ नहीं भी आएगा ना, तब तो हम कल तक लाश को रखेंगे यहाँ। ये हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ सहानुभूति हमारी, हम लोग दर्द को समझ सकते हैं कि आज उसके 3 बच्चे का क्या हाल होगा, आज उसकी पत्नी बेचारी विधवा हो गई, उसका क्या हाल होगा। हम लोग आपके साथ है। मक्का लदे ट्रक से 1755 लीटर विदेशी शराब बरामद। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के तिलगी के समीप 14 नंबर सड़क से मक्का लदे ट्रक से पुलिस ने 1755 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि ट्रक पर सवार कारोबारी भागने में सफल रहा। नौगछिया SP को गुप्त सूचना मिली थी कि मक्का लदे एक ट्रक पर भारी मात्रा में शराब छुपाकर ले जाया जा रहा है, जिस पर SDPO के नेतृत्व में इंस्पेक्टर NSS चौहान, खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं बीहपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को शामिल करते हुए एक टीम गठित कर छापेमारी के लिए भेजा गया था। पुलिस ने शराब के साथ साथ 45 बोरी मकई एवं एक मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं फरार कारोबारी का पता लगाने के साथ साथ गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के इस उपलब्धि से स्थानीय कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। नवोदय विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में मंगलवार को हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य रोशन लाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मौके पर प्राचार्य ने संबोधन में राज्य भाषा हिंदी की दशा एवं दिशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा निरंतर प्रगति कर रही है और आज देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मौके पर कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व अन्य का सराहनीय योगदान रहा। नवगछिया में ब्राह्मण महासंघ ने किया बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में मंगलवार को नगर स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में जिलाध्यक्ष पंडित ललित शास्त्री की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें प्रत्येक पंचायत में पंचायत स्तरीय महासंघ पदाधिकारी बनाने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को लेकर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दौरान पंडित नंदलाल तिवारी, सुभाष पांडे, निरंजन झा, राम पाठक, श्रीधर खंडेवाल सहित कई अन्य मौजूद थे। अनंत पूजा हुआ संपन्न, श्रद्धालुओं ने बांधा अनंत। नवगछिया शहर सहित गांव में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर में सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त सुबोध कुमार झा लगातार 73 वर्षों से समस्त ग्रामीणों की मौजूदगी में अपने आवास पर अनंत भगवान का पूजन करते आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने अपने अपने भुजा में अनंत रक्षा सूत्र बांधा। वहीं गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव में पंडित प्रसन्नाचार्य द्वारा उनके अपने निज आवास पर स्थित मां कालिका मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर पूजा अर्चना की गई। वहीं मौके पर कई भक्त उपस्थित थे। नवगछिया में मास सिकिंग अभियान में 62 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क के वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 62 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में एक वाहन से 1000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। मृतक राहुल के पिता प्रमोद मंडल ने नौगछिया पुलिस पर जताया भरोसा, कहा मिलेगा इंसाफ। रविवार को प्रेम प्रसंग में अभिया गांव में BSF की पत्नी शिल्पी कुमारी व सिपाही पुत्र राहुल की हत्या के मामले में मृतक राहुल के पिता प्रमोद मंडल ने बताया कि मुझे नौगछिया पुलिस पर पूरा भरोसा है। आखिर किस परिस्थिति में इस तरह की घटना हुई? यदि राहुल ने ही पहले शिल्पी की हत्या कर अपनी हत्या गोली मार कर किया तो गोली चलने की आवाज शिल्पी के घर वालों को क्यों सुनाई नहीं पड़ी? सुसाइड नोट में मेरे पुत्र का हस्ताक्षर भी नहीं है। उन्होंने पूरे घटना को वैज्ञानिक जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने की मांग की है। वहीं मृतका के ससुर अभिमन्यु भारती ने कहा कि जिस तरीके से मेरे घर में हत्या की घटना को
अंजाम दिया गया, हम लोग हतप्रभ हैं। बताते चलें कि अभिमन्यु भारती के लिखित आवेदन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर वैज्ञानिक जांच कर मामले का उद्भेदन करने में जुट गई है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80, 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85009, 7549-68388। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। नारायणपुर, गंगा नदी में डूबे छात्र शुभम का 36 घंटे बाद मिला शव। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार के स्वर्ण व्यवसायी अनिल पोद्दार के पुत्र इंटर कक्षा के छात्र शुभम कुमार उप गोलू का सोमवार की अहले सुबह नवटोलिया काली मंदिर के समीप सीढ़ी घाट के पास स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। स्थानीय भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, नारायणपुर वीडियो हरिमोहन कुमार, सीओ अजय सरकार ने कैंप कर NDRF की टीम व मछुआरे व गोताखोर की मदद से लगातार शव ढूंढने का प्रयास जारी रखा। दूसरे दिन मंगलवार को 36 घंटे बाद घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर झाड़ी में डूबे हुए छात्र का शव मिला। शव मिलने की खबर सुनते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मथुरापुर के व्यवसायी का लगातार आना जाना लगा था। गोपालपुर, मानव तस्करी में पूर्व में भी रिंकू देवी खा चुकी है जेल की हवा। गोपालपुर घनश्याम मंडल की हत्या के मामले में अभिया गांव की रिंकू देवी मानव तस्करी के मामले में पूर्व में भी जेल की हवा खा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार रिंकू देवी गांव की भोली भाली लड़कियों को सब्जी बाग दिखाकर बेचने का धंधा किया करती है। अभिया की कई लड़कियों व बहुओं को उन्होंने बहला फुसला कर बेच दिया है। 2-3 वर्ष पूर्व अपनी छोटी गुतनी को बहला फुसला कर भी बाहर बेच दिया था, परंतु मामला पुलिस में आने पर अपनी गुतनी को वापस मंगवाया गया। इसी मामले में वह जेल भी गई थी। घनश्याम मंडल की पत्नी जो रिंकू देवी की ननद लगती है को उसने 5 वर्ष पूर्व बेच दिया। अपनी पत्नी को वापस मांगने के लिए मृतक घनश्याम बराबर अपने ससुराल अभिया गाँव पहुंचकर रिंकू देवी से झगड़ा झंझट किया करता था। शनिवार को मौका देखकर रिंकू देवी ने घनश्याम मंडल को गोली मरवा दिया। वहीं इलाज के दौरान घनश्याम की मौत मायागंज अस्पताल में हो गई। घनश्याम के फर्द बयान पर गोपालपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रंगरा में कार्यरत मनरेगा कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गोड़ीहारी निवासी जनार्दन सिंह के पुत्र ज्योति कुमार जो रंगरा प्रखंड में मनरेगा में BFT के पद पर कार्यरत था की मौत सोमवार की देर रात को अपने आवास पर संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को ज्योति अपने ऑफिस में हुए पार्टी से भोजन वगैरह कर अपने घर आकर सो गया। सुबह जब अपने नियत समय पर नहीं उठा तो उसकी मां उसके कमरे में जगाने पहुंची तो ज्योति के मुंह से झाग व नाक से खून बहता देखा गया। परिजनों द्वारा तत्काल इसकी सूचना गोपालपुर पुलिस को दी गई। गोपालपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि रंगरा के PO को फोन करने पर स्विच ऑफ बताया जा रहा है तथा मृतक के साला कुमार राणा ने बताया कि मेरे बहनोई को साजिश के तहत भोजन में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली, संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67170। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।